नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं शांतिलाल झा। आज मैं तृतीय वर्ग के छात्रों को संस्कृत में पंचमा पाठ लंग लकार से प्रयोग है, लंग लकार का प्रयोग। प्यारे छात्रों, सबसे पहले इस बात पर गौर करना है, जो लंग लकार हम किसको कहेंगे, तो जिस काम को मेरे द्वारा कर लिया गया उसे हम लंग लकार। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में होता है। संस्कृत भाषा में भूतकाल को लंग लकार कहती है। कर्ता में प्रथमा तथा कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। लंग लकार की क्रिया बनाने के लिए धातु से पहले अ उपसर्ग लगाया जाता है। लंग लकार की क्रिया बनाने का प्रारूप निम्नवत है, इसे ध्यानपूर्वक आप लोग सुने। पठ धातु, पठ शब्द का अर्थ होता है पढ़ना। लंग लकार भूतकाल, आप लोगों को इससे पहले भी मैं बता दिया हूँ, जो संस्कृत में पुरुष तीन प्रकार की होती है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष एक वचन अपठत, द्विवचन अपठताम, बहुवचन अपठन। इससे पहले जो मैं आपको बताया, जो धातु से पहले अ का प्रयोग होता है तो पठ के आगे अ लग गया, यही लंग लकार पहचानने का यही तरीका है। लंग लकार की जो भी क्रियाएं होंगी उसके आगे अ लगेगा। तो अपठक प्रथम पुरुष, अपठक अपष्टम अपठन, मध्यम पुरुष अपठ अपष्टम अपठत, उत्तम पुरुष अपठम अपठा अपठाम। अब मैं प्रथम पुरुष के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक वचनम पुल्लिंग, बालकः पुस्तकम अपठत। यह प्रथमा विभक्ति का बालकः जो हो गया, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो बालक ने पुस्तक पढ़ी। स्त्रीलिंग बालिका, और नृत्य बालिका शब्द का स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति में बालिका होता है, और नृत्य शब्द का अर्थ होता है नाचा या नाची। तो बालिका और नृत्य, लड़की नाची, ये आपका स्त्रीलिंग एक वचन में हो गया। नपुंसक लिंग पत्रम अपतत, नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति में पत्रम होता है, और अपतत जो हो गया वह प्रथम पुरुष एक वचन पत्ता गिरा। अब मैं द्विवचन के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। बालको पुस्तके अपष्टाम, बालक शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बालको होता है, तो बालको पुस्तके अपष्टाम में दो बालकों ने, दो लड़कों ने पुस्तकें पढ़ी। स्त्रीलिंग में बालिके पुस्तके अपष्टाम, बालिका शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बालिके होता है, तो दो लड़कियों ने दो पुस्तकें पढ़ी। यहाँ पुस्तकें जो हो गया, क्योंकि पढ़ने वाली दो लड़कियां हैं, एक लड़की यदि रहती तो पुस्तकम हो जाता, क्योंकि दो लड़कियों की बात यहाँ आ रही है, इसलिए पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि द्विवचन में पुस्तके। नपुंसक लिंग पत्रे अपठताम, तो यहाँ पत्रे जो हो गया वह हो गया नपुंसक लिंग, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, इसलिए दो पत्ते गिरे अपतत अपट्टाम। पद धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में अपट्टाम ऐसा होता है। बहुवचनम पुल्लिंग, बालका पुस्तकानि अपठन, तो बालक शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बालका होता है, तो बहुत से बालकों ने, बहुत से लड़कों ने पुस्तकें पढ़ी। स्त्रीलिंग बालिका पुस्तकानि अपठन, तो बालिका शब्द का प्रथमा विभक्ति में बालिका होता है, बालिका बालिके बालिका, तो बहुत सी लड़कियों ने पुस्तकें पढ़ी। नपुंसक लिंग पत्राणि अपठन, तो पत्रम पत्रे पत्राणि, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन हो गया पत्राणि, इसलिए बहुत से पत्ते गिरे। अब मैं मध्यम पुरुष की बात बताने जा रहा हूँ। एक वचनम पुल्लिंग, त्वम पुस्तकम अपठ, तूने पुस्तक पढ़ी। मध्यम पुरुष में त्वम होता है, त्वम बने तुम होता है। स्त्रीलिंग त्वम पुस्तकम अपठ, तूने पुस्तक पढ़ी। द्विवचनम पुल्लिंग युवाम पुस्तके अपष्टम, युवाम जो हो गया वह हो गया आपका मध्यम पुरुष का द्विवचन, तुम दोनों ने दो पुस्तकें पढ़ी। स्त्रीलिंग युवाम
पुस्तके न अपठतम, तुम दोनों ने दो पुस्तकें नहीं पढ़ी। बहुवचनम यूयम पुस्तकानि अपठत, यूयम जो हो गया मध्यम पुरुष का बहुवचन हो गया, तुम सबने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी। स्त्रीलिंग यूयम पुस्तकानि अपठत, तुम सबने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी। अब मैं आप लोगों को उत्तम पुरुष के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक वचनम पुल्लिंग अहम पुस्तकम अपठम उत्तम पुरुष, एक वचन में अहम होता है मैंने पुस्तक पढ़ी। स्त्रीलिंग अहम पुस्तकम अपठम, मैंने पुस्तक पढ़ी। द्विवचनम आवाम पुस्तके अपठाव, उत्तम पुरुष का द्विवचन में आवाम होता है, हम दोनों ने दो पुस्तकें पढ़ी। स्त्रीलिंग आवाम पुस्तके अपठाव, हम दोनों ने दो पुस्तकें पढ़ी। बहुवचनम पुल्लिंग वयम पुस्तकानि अपठाम, हमने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। स्त्रीलिंग वयम पुस्तकानि अपठाम, हम सबने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को तृतीय वर्ग के छात्रों को संस्कृत में पंचम पाठ लंग लकार के बारे में बताया। आप लोग इस संक्रमण की दौर में अपने घर पर पूरी तरह से सुरक्षित रहें और इस वीडियो को जरूर पढ़ने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।